नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हसौद में जिलाध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर रवि भारद्वाज के नेतृत्व में हसौद के मुख्य चौराहे पर पूर्वी लद्दाख स्थित गालवान घाटी पर सीमा विवाद को लेकर चीन एवं भारतीय सैनिकों के बीच बातचीत के दौरान चीनी सेना द्वारा कायराना हरकत करते हुए भारतीय सेना पर लाठी एवं पत्थरों से अचानक हमला कर दिया, जिससे भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 वीर जवान शहीद हुए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के शहीद वीर जवान का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम लाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकांग के निर्देश पर जांजगीर जिले में कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व पर हसौद ब्लॉक में शाम 6 बजे मुख्य चौराहे पर कैंडल जलाकर शहीद सैनिकों को कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर ने कहा कि सरहद में वीर जवान देश की रक्षा कर रही है और चीन भारत के भूमि में घुसकर हमारे सेनाओं पर हमला कर दिया, इसकी तीव्र निंदा करते हैं। देश के दुश्मन चीन को अब समय आ गया है सबक सिखाने के लिए। राहुल गांधी बार बार देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं सीमा में चीनी घुस चुके हैं, फिर भी शांत रहना यह विडंबना है। आज श्रद्धांजलि के अवसर पर सुरेंद्र भार्गव, तोशीबा लायन, नारायण खंडेलिया, लखेश्वर साहू, दादूराम सोनवानी, कुशल कश्यप, इस्माइल खान, छोटू दास महंत, सतीश महेश, दिलसाय लहरे, हरि खटकर, भगवान दीन, सूरज बंजारे सहित सैकड़ों कांग्रेस जन ने मास्क पहनकर श्रद्धांजलि दी। डीएनएक्स टीवी के लिए जांजगीर चांपा से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। चीन के कायराना हरकत के कारण आज हमारे देश के जवान, एक कमांडर ऑफिसर सहित 20 जवान शहीद होना हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है। देश की धरती में सीमा की सुरक्षा करने के लिए, देशवासियों की सुरक्षा करने के लिए हमारे जवान सरहद पर काम कर रहे हैं, हम सब की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे कायराना हरकत करके चाइना ने जिस प्रकार से अचानक आक्रमण करना और गलत तरीका से वार करना, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, निश्चित तौर पे हम सब तीव्र निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से चाइना ने हमारे गलत तरीका से गलत आंख दिखाने का काम किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आगे बढ़े, देशवासी उनके साथ हैं। और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से लगातार यही प्रयास कर रहे हैं, चाइना के कई ऐसे के लोग लगभग कई किलोमीटर तक भारत के भूमि पर आक्रमण करने की लगातार उचित प्रयास किया जा रहा है, हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। आदरणीय मोहन मरकाम जी का, आदरणीय भूपेश बघेल जी का, जिस प्रकार से यह घटना, कांकेर के एक जवान भी इसमें शहीद हुए हैं, हम इसका आज निंदा भी करते हैं और हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और हसौद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आज हम सब कांग्रेस जन के लोग इकट्ठा होकर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।